मैं अनिल शील और तमाम विजयपाल बिरलान साहब, राजकुमार जी, भीम रोहतगी जी, हम अपने साथियों को आगे बढ़ा के काम कर रहे हैं और आने वाली योजना तैयार कर रहे हैं और नया साल की तमाम लोगों को दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूं। जो राहुल गांधी जी को ताजपोशी किया, पूरे भारत देश वासियों को तमाम दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। दशकों राष्ट्रीय सफाई मजदूर यूनियन की बात करें तो देखने में आता है कि कभी कुछ ना कुछ कार्यक्रम करती रहती है और मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ती रहती है। सफाई मजदूरी के कर्मचारी की बात करें तो वो परेशान भी नजर आता है क्योंकि समय पर तनख्वाह नहीं मिल पाती। हमारे बीच में अनिल शील साहब हैं। शील साहब, क्या कहना चाहेंगे, किस लिए ये मीटिंग की गई है आज? सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों को धन्यवाद करूंगा कि आज हम जो नए साल के उपलक्ष्य में हम तमाम लोगों से मिलने जा रहे हैं जी। और आने वाली योजना जो एमसीडी हम पे अत्याचार करने जा रही है उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम सारे लोग तैयार हो चुके हैं। क्या परेशानी है एमसीडी से? एमसीडी से सबसे बड़ी बात क्या कि आज हमारे समय पर वेतन नहीं आ रहा जी। अभी बता रहे 4.5 करोड़ जितने भी पैसे उन्होंने हमें दिए हैं वो बीजेपी के अकाउंट में, हम गरीबों के अकाउंट में नहीं आए अभी तक। हमारे जो पुराने लाभांश थे, जैसे कि एरियल है, मेडिकल कैशलेस कार्ड है, जो भी समस्या है, कुछ भी अभी तक उन लोगों ने हमें नहीं दी। और पेपरों में ये दिखाते हैं, मीडिया में ये दिखाते हैं कि हमने इन लोगों को सब कुछ दे दिया और इन्होंने एक नया ड्रामा और कर दिया, जैसे कि मशीन। हमें मशीन का विरोध नहीं कर रहे, हम सिस्टम का विरोध करना चाहते हैं कि जो हमसे हम काम भी कर रहे हैं, हम मशीन में टाइम टू टाइम हाजिरी भी लगा रहे हैं। सैलरी रोकने वाला कौन, भारतीय जनता पार्टी या दिल्ली सरकार? भारतीय जनता पार्टी सही मायने हमारी सैलरी रोक रही है। आम आदमी पार्टी फिर भी हमें पैसा दे देती है। ये लोग ठेकेदारों को पैसा देती है हमारी तनख्वाह का, और जो उनका बजट का पैसा जो ठेकेदार का, वो हमें आज देख लो 18 तारीख हो गई, आज 18 तारीख को आज तनख्वाह मिल रही है, जबकि हमारे बच्चों की फीस अभी तक नहीं गई, ना हमारे घर में राशन आया, ना कुछ आया, और अभी तक हम फिट मारे से घूम रहे हैं पूरे। हम दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि 11 साल से बैठी भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली नगर निगम के अंदर और दिल्ली के अंदर बैठी आम आदमी पार्टी सरकार, इन दोनों की लड़ाई के अंदर पिस रहा है तो मजदूर पिस रहा है। आज मजदूर की बहुत बुरी हालत हुई है सही मायने में। अदर नरेंद्र मोदी जी हैं और अरविंद केजरीवाल जी है, बीजेपी है, ये लोग शोर मचाते हैं कि ये लोग बिल्कुल, हमने इनको पैसा दे दिया है। मैं देखता हूँ इनके चेहरे पर, देख लो क्या खुशी है। लेकिन अगर मजदूरों की बात करें तो वो तो मोदी सरकार की जय जयकार कर रहा है, जैसे कि आज परिणाम देखा गुजरात के अंदर। गुजरात में देखें तो आज ईवीएम मशीन जीत रही है, ना तो नरेंद्र मोदी जी जीत रहे ना भारतीय जनता पार्टी। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, ईवीएम मशीन ही जीत रही है। अभी आपने देखा होगा, मैं सुबह चैनल देख रहा था तो उसमें जब शुरू में हमारी जो काउंटिंग हुई तो नतीजे आने शुरू हो गए तो उसमें हमारी कांग्रेस पार्टी बैलेट पेपर पर जो चुनाव हुआ वो तो जीतती आ रही थी। जैसी मशीन की बात आई, बारी आई, तो तुरंत ही एकदम बीजेपी की आंकड़े स्टार्ट हो गए। तो यानी कि सही मायने में सिस्टम जो खराब है ईवीएम मशीन का है। बैलेट पेपर से चुनाव हो पूरे भारत में तो मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी कहीं से कहीं तक भी कांग्रेस के सामने खड़ी नजर नहीं आएगी। पंजाब में निकाय चुनाव हुआ, सुपड़ा साफ हो गया भारतीय जनता पार्टी का। अभी पंजाब में हुआ, आपने देखा, देखो मीडिया के माध्यम से बताया और आपने भी बताया कि पंजाब में चुनाव हुआ तो सुपड़ा साफ हो गया। अभी अपना यूपी में चुनाव हुआ, वहाँ पे बैलेट पेपर से हुआ, हमने वहाँ पे नतीजे देखे, बैलेट पेपर से हुआ तो वहाँ पे भी कांग्रेस और अन्य पार्टी जीतती आ रही थी। जैसी क्या नाम है ईवीएम मशीन खुली, वहीं पे एकदम मोदी की सरकार जीतने लगी। सही मायने में भ्रष्टाचार और राज्य क्या नाम से बोलते हैं जो जातिवाद जो फैलाती है बीजेपी फैला रही है, और ईवीएम मशीन के सिस्टम खराब है वो बीजेपी पार्टी फैला रही है। कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी की जो ताजपोशी करी है, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस परिवार की तरफ से, तमाम मजदूर समाज की तरफ से मैं पहले तो राहुल गांधी जी को धन्यवाद करूंगा क्योंकि आज वो देश के सही मायने में हकदार बने हैं, उनको आज ताजपोशी हुई। और रही बात आने वाले समय की, सही मायने में मजदूरों को जो दिया है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मैं बहुत ज्यादा बढ़ाई कर रहा हूँ, मगर मजदूरों को
जो 70 साल में आज तक जो मिला है वो कांग्रेस परिवार के माध्यम से मिला, क्योंकि कांग्रेस ने जो आज जो मकान है हमारे वो कांग्रेस ने दिया। आज जो रोजगार पे हम काम कर रहे हैं, कर रहे थे तो बेरोजगार, हाँ जो हम रोजगार कर रहे थे वो भी कांग्रेस ने दिया। आज जो हमारा जो जो हक छीन रहा वो बीजेपी का आदमी छीन रहा है। आपका क्या कहना है आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में? देखो सर, हम तो ये कहेंगे जो हम जो इतने साल हो गए हमें कच्चे में अभी भी डाले हुए हैं जी, जो हमें 20-20 साल 18-19 साल हो गए हमें जी, तो हमें इनको पक्का करना चाहिए। पक्का करना चाहिए, आपकी क्या राय? मेरी राय ये है जी, जो हमारा कर्मचारी जी 20 साल से अब कच्चा है तो हम उसका बजट मांगना चाह रहे हैं और हम 2018 में चौथे महीने में इनको पक्का कराने के हम इरादे पे लड़ाई लड़ रहे हैं सफाई मजदूर कांग्रेस इंटक, और हम चाहते हैं इसी वजह से अगर हमारे कर्मचारी को इन्होंने 2018 में पक्का नहीं करना शुरू करा तो हम बहुत बड़ा हंगामा रखेंगे और हड़तालें भी चलेंगी। 11 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में बैठी है, उन्होंने कुछ नहीं करा? नहीं, कुछ नहीं करा। जो भी हमारा जो कर्मचारी जो पक्का हुआ 2013 में वो भी शिला 5,000 का बजट देगी थी वही कर्मचारी पक्के हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सरकारी कर्मचारी को 1% देना चाहती है, वो बिल्कुल नहीं देती। कांग्रेस ने 10-10% भी दिया और 7% भी दिया, 8% भी दिया, इसने कभी नहीं दिया और नहीं चाहती। ये गरीब को तो बिल्कुल नहीं चाहती, गरीब को बिल्कुल नहीं चाहती। आप क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी आ रही है घरों के अंदर? 14 साल हो गए मुझे कच्चों में, डेथ केस पे लगा हूं, मैं चाहता हूं पक्का किया जाए। मुझे तनख्वाह नहीं मिल रही, क्या तनख्वाह टाइम से, तनख्वाह टाइम से नहीं मिलती, हमारे बच्चों की फीसें नहीं जा पाती है। वहाँ प्लांटियाँ लगा देते हैं, 200-200 रुपए प्लांटियाँ लगा देते हैं, हम गरीब इंसान का क्या करेंगे? एक जब घर में कमाने वाला है, खाने वाले इतने, टाइम पे हमारा पैसा नहीं मिलता। कितने महीने हो गए सैलरी नहीं मिली? टाइम से नहीं मिल पाती है, कभी 29 तारीख पे मिलती है, 3-4 महीने हो जाते हैं नहीं मिलती, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं जी, तनख्वाह नहीं आती, नहीं आती। हाँ जी बिल्कुल, बहुत परेशान है बीजेपी से। वाकई बीजेपी तो गरीबों के हित के लिए लड़ाई लड़ रही है। नहीं जी, बहुत तनख्वाह नहीं आ रही, कांग्रेस के थे उस टाइम तनख्वाह आती थी, बराबर आती थी। मोदी सरकार ने तो कहा था अच्छे दिन आएंगे, ये तो नहीं आए जी, और बुरे दिन आ गए जी, बहुत बुरे दिन आ गए। बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, सब कुछ तहस नहस हो रहा है जब से सरकार आई है। 15 लाख भी नहीं आया खाते, कुछ नहीं आया जी हमारा, कुछ भी नहीं आया, जीरो बैलेंस। जीरो, इसने खाते खुलाए थे क्या, 1,00,000 रुपए आएंगे जी, वो जीरो बैलेंस पड़े हैं अभी तक, किसी को कोई पैसा नहीं आया। और महंगाई की बात क्या? महंगाई और बढ़ रही है ज्यादा ही। मजदूर कांग्रेस इंटक के समस्या आ रही है, बताएं। समस्या तो ये है सर, एक सफाई कर्मचारी को देने के लिए पैसे नहीं है, एक सफाई कर्मचारी के पीछे 10 आदमी खड़े कर दिए गए हैं, एक उनका चौकीदारा करेगा, दूसरा पहरा देगा, तीसरा वहाँ बैठेगा, ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, काम चोरी कर रहे हैं। जब एक निगम पार्षद बना दिया जाता है वार्ड के अंदर, उसको ये भी पता लग जाता है कि कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं, तो फिर ये भ्रष्टाचार किस लिए कि एक कर्मचारी के ऊपर 10 आदमी के तो पैसे मिल रहे हैं और एक कर्मचारी जो काम कर रहा है उसको टाइम पे पैसा नहीं दिया जा रहा, क्या उसके बच्चे क्या खाएंगे? और जो कर्मचारी की तनख्वाह है 9,500, और जो उसके पीछे जो आदमी लगा दिया उसकी तनख्वाह है 40,000, तो वो 40,000 के 10 आदमी की कितनी तनख्वाह हो गई? बिल्कुल ठीक है, तो उसको तो 9,000 वाले को दे नहीं रहे, ले वो 40,000 वाले को दे रहे हैं जी। मशीन मंगा रहे, क्या पहले से काम नहीं होता था निगम में जी? पहले भी 8 घंटे कर्मचारी काम करते थे, एक हफ्ता कर्मचारी। सरकार की बात करें तो कांग्रेस बढ़िया, आम आदमी बढ़िया या भाजपा बढ़िया? सरकार तो हम कांग्रेसी थे, कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। क्या समस्या? सर मैं राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटेक से यूथ अध्यक्ष बोल रहा हूँ, भीम रोत की। मैं यही कहता हूँ कि जितने भी हमारे निगम कर्मचारी हैं सारे बहुत परेशान हैं, बहुत भयभूक है, ना तो उनके बच्चों की फीस भरी जा रही और भूखे पेट की लड़ाई लड़ रहे हैं बेचारे। वो सुबह 6 बजे उठ के, हमारी जो माता बहने हैं, हमारे भाई हैं, वो आते हैं और नौकरियां करते हैं, जो लोगों का गंदगी उठाते हैं, कूड़ा उठाते हैं, फिर भी हमारे को समय वेतन नहीं मिल पाता। उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें आ रही है, शिक्षा में दिक्कत आ रही है, और दूसरी बात हमारे को एक बंधुआ की नज़र से देखा जाता है इसके अंदर। जब से कि ये बीजेपी सरकार है उस दिन से हमारे को एक बंधुआ बना दिया गया है, हमारे पैरों में एक लगाम कस दी गई है, हमारे के मशीनें ला दी गई है हमारी हाजिरियों पर, हमारे को एक चेकिंग बहुत होती है हमारे पास, तो हमारे कर्मचारी को वेतन ना दे के हर तरीके से हमारे कर्मचारियों के साथ एक बहुत बड़ा विद्रोह करा जा रहा है। उनको झूठे वादे करे जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से मिलो या बीजेपी उससे मिलो इससे मिलो,
हम लोग एक आश्वासन दिया जाता है हमारे लोगों को। आजकल तो बनियों ने भी खाना राशन देने के लिए मना कर रखा है, बनिया भी राशन नहीं देता हमारे कर्मचारियों को। पार्षद नहीं सुनते, विधायक भी नहीं सुनते, क्या सांसद महोदय भी नहीं सुनते? सर मनोज तिवारी जी भी हमारे को आश्वासन देके कहते कि हमने आपका पैसा केजरीवाल जी को दे दिया, केजरीवाल से बात करो, आम आदमी पार्टी से। केजरीवाल जी के दरवाजा खड़खड़ाते हैं सर, चार चार घंटे तक हमारी कोई सुनवाई नहीं होती, हम लेटर पैड लगाते हैं, उसके बाद हमारे को यही आश्वासन दिया जाता है जी हम आपका पैसा रिलीज कर देंगे। वो पैसा रिलीज ही होता रहता सर, हमारे खातों तक अभी तक नहीं आता।